मैं अभिजीत पवार नारायणी होंडा सर्विस। आज मेरे पास BS6 एक्सेस आ गई है, जो आज मैंने पीछे के डिक्की की साइड की सब खोल रही है, खोला है सब। और उसमें से आपको इस गाड़ी में कौन से कंपोनेंट आ रहा है वो दिखाने वाला हूँ। ये BS6 एक्सेस है जो मैंने पीछे की तरफ से खोल रखी है। ये खोलने के लिए इधर की इस बाजू से खोलना पड़ता है, इधर एक स्क्रू आता है, उसके बाद इधर का, और ये 10 नंबर के जो नीचे ये सब खोल कर ये बाजू पर रखने का निकाल कर। इधर गाड़ी का पंप है, पंप का सॉकेट है, ये पंप का पाइप इधर से आकर इस तरफ से ऐसा होकर ये नीचे से इधर तक आ जाता है। और दूसरा गाड़ी का ये जो एयर का है, जो गाड़ी में एयर तैयार हो जाती है उसको लेकर ये पर्ज वाल जाता है इधर से, और ये नीचे जाता है इधर से। और डिक्की में जो पैर के नीचे इधर इस लोकेशन पर कैनिस्टर रखा हुआ है। ज़्यादातर गाड़ियों में एडलिंग का जो इश्यू होता है उसके लिए ये खोलना पड़ता है, इसको हवा मारकर, कंप्रेस एयर मारकर वो साफ कर बैठा है तो गाड़ी का जो एडलिंग का जो इशू है वो निकल जाता है। इस गाड़ी का ECM मैग्नेट साइड की बाजू पर ऊपर इधर है, ST कॉइल का लोकेशन इधर है। गाड़ी खोलने के लिए बहुत ही आसान है। ये पेट्रोल टंकी का कनेक्शन है,